मीनिंग ऑफ योगा तो जो वर्ड योगा है ये संस्कृत वर्ड युज से आया है और जिसका मतलब है जॉइन और यूनियन यूनियन किसका आत्मा से परमात्मा का यानी सोल से सुपर कंट्रोलर आत्मा से परमात्मा का जो हमारा योगा है वो कम्बिनेशन है तीन चीज़ों का फिजिकल आसन्स का मेडिटेशन का प्लस ब्रीथिंग टेक्निक्स का अब हम देखते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस योगा की इम्पॉर्टेंस क्या है तो पहली इंपॉर्टेंस है कि इम्प्रूवड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस योगा आसन के थ्रू जब हमारी बॉडी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है तो इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है इसके अतिरिक्त इसके साथ साथ योगा आसन हमारे वेट को और पोस्चर को बैलेंस रखने में भी मदद करते हैं विद इंक्रीज फोकस क्लियर सेकेंड है स्ट्रेंथन्स द मसल्स योगा आसन से हमारी कोर और मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ती है प्लस रेगुलर प्रैक्टिस से हमारी एंडोरेंस अपर बॉडी और मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है ओके okay. थर्ड है बेटर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड लंग्स रेगुलर योगा करने से हार्ट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती है और बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हार्ट डिसीजेज का रिस्क कम हो जाता है और योगा आसनस हार्ट रेट ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल लेवल प्लस बी को कम करने में भी हेल्प करते हैं प्राणायाम के माध्यम से हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल में रहती है और लंग्स फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट आती है बाय इंक्रीजिंग इट्स टोटल कैपेसिटी बूस्ट ब्लड सर्कुलेशन योगा आसन और प्राणायाम ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से द इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो इम्प्रूव हेल्थ ऑफ द ऑर्गन्स एंड ग्लोज स्किन ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से ऑर्गन्स की हेल्थ बेटर होती है और स्किन ग्लो करती है फिफ्थ है इम्प्रूवड पोस्चर द प्रैक्टिस ऑफ योगा आसन्स मेक्स वन मोर अवेयर ऑफ देयर बॉडी एंड सेल्फ विद दिस वन बिगिनस टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट देयर पोस्चर द वे दिस सिट स्टैंड एंड वॉक इट मेक्स वन लुक कॉन्फिडेंट एंड हेल्दी योगा आसन व्यक्ति को अपनी बॉडी और खुद के प्रति अवेयर यानी जागरूक बनाते हैं इसके साथ व्यक्ति अपने पोस्चर्स के बारे में अधिक सचेत होना शुरू कर देता है जैसे जिस तरह से वह बैठता है खड़ा होता है और चलता है योगा आसन व्यक्ति को कॉन्फिडेंट और हेल्दी दिखाते हैं इंक्रीज इम्यूनिटी योगा आसनस इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं और बॉडी के हर सेल को बूस्ट करते हैं विद योगा द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज यानी योगा से शरीर की ताकत बढ़ती है बॉडी हेल्दी रहती है और बीमारियों से भी दूर रहती है सेवेंथ है रिड्यूज स्ट्रेस स्ट्रेस कई फिजिकल और मेंटल इश्यूज़ का एक प्रमुख कारण है रेगुलर योगा करने से हमारे स्ट्रेस हार्मोन, यानी कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है और हैप्पी हार्मोन यानी सेरोटोनिन इंक्रीज होता है योगा स्ट्रेस्ड नर्व्स को आराम और शांति प्रदान करता है योगा स्टिम्यूलेट्स रिलैक्सेशन एंड कॉलनेस ऑफ द स्ट्रेस्ड नर्व्स क्लियर उसके बाद है इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी योगा मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करने में मदद करता है मेलेटोनिन हार्मोन अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है मेलेटोनिन हार्मोन क्या करने में मदद करता है अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है एनहांसेज सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव योगा हमें खुद से प्यार करना स्वीकार करना और सम्मान करना सिखाता है योगा आसन्स और प्राणायाम के अभ्यास से मन शांत हो जाता है और विश्राम की स्थिति में पहुंच जाता है जो अल्टीमेटली माइंड और बॉडी को सोने के लिए तैयार करता है विच अल्टीमेटली प्रिपेयर्स द माइंड एंड बॉडी टू स्लीप योगा आसन की प्रैक्टिस से व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के प्रति जागरूक यानी अवेयर होता है यह व्यक्ति को अपने बारे में अधिक आश्वस्त बनाता है और आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है और लास्ट है हमारा इंक्रीज फोकस एंड अवेयरनेस योगा आसन प्राणायाम और ध्यान की प्रैक्टिस से व्यक्ति एक केंद्रित फोकस यानी वन पॉइंटेड फोकस डेवलप करता है और अपने विचारों शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहना सीखता है वैन वन डवेल्प अवेयरनेस जब कोई जागरूकता विकसित करता है तो व्यक्ति अलर्ट रहता है और प्रेजेंट में रहता है यानी सामने वाले की बात को सुनता है ध्यान से जिससे फोकस के साथ साथ एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है विच बूस्ट फोकस एंड हेनसेज द प्रोडक्टिविटी